दीपांशु, देखिए 10 की कमाई के तौर पे जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है सिम्फनी। सिम्फनी अभी चल रहा है 1165 के आसपास, आज थोड़ा सा नीचे है, सॉफ्टर है। ये मैंने थोड़े दिन पहले भी रिकमेंड किया था 1060-50 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत बड़े कंसोलिडेशन, बहुत बड़े रेंज से निकल रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है प्ले आउट होने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 1180-1200 की रेंज में, मतलब 100 रुपए की रेंज में इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1050 के आसपास का रिकमेंड करूंगा, और मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहा ये 1350 और उसके ऊपर 1500 का रहेगा। ये हमने SPL मिड कैप में भी एक बार रिकमेंड किया हुआ है। मेरा व्यू ये है, ओवरऑल लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन अपसाइड ब्रेकआउट हो सकता है, तो इसको अक्यूमुलेट करना है 1100-1200 की रेंज में। थोड़ी बड़ी है क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है। 1050 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना होगा, और यहाँ पे कंजर्वेटिवली पहला टारगेट 1500 का होगा, और टाइम फ्रेम 4 to 8 वीक्स। ओके, सिम्फनी, ये है वो स्टॉक जहां पर 10 की कमाई के तौर पर राय खरीदारी करने की आपके लिए आती हुई विश्वेश जी की तरफ से ये स्टॉक भी कमाल करता हुआ दिख रहा है। ओके, आइए।